नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों गर्मियां तेज शुरू हो गई है और इस समय क्या है, पौधों को तेज धूप से हमें बचाना होगा। ऐसी तेज धूप में हमारा खुद का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो पौधों का सोचिए क्या हाल होता होगा, बेचारे सारे दिन धूप में ही रहते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि तेज हीट वाली गर्मी से हम पौधों को कैसे बचाएं, कैसे उनकी देखभाल करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से हम जो है पौधों को बचा सकते हैं तेज गर्मी से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं या मैं जब लाइव आता हूं, मैं संडे को मोस्टली लाइव आता हूं, तो मैं जब लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लाइव में आके अपनी जो क्वेरी है वो लाइव सॉल्व कर सके। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इम्यूनिटी। गर्मियों में पौधों के आसपास की जो इम्यूनिटी है वो अगर आप अच्छी बनाए रखेंगे तो उसे पौधों को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आप एक ट्रे ले लें, ट्रे के अंदर कुछ कंकर डाल लें, कंकर डालने के बाद उसके अंदर पानी डाल दे ट्रे के अंदर। पानी का जो लेवल है वो कंकर यानी कि पूरे ना डूबे, थोड़ा सा जो है कंकर के लेवल से थोड़ा सा नीचे हो पानी। उसके बाद आप अपने प्लांट को जो है उनके ऊपर रख दें, ट्रे के अंदर रख दें कंकर के ऊपर। उससे क्या होगा, जब जो पानी है उसके अंदर वो जब ऊपर उठेगा, वाष्प बनकर जब ऊपर उठेगा तो उससे काफी इम्यूनिटी जो है वो बनेगी। दूसरा है इसका मेथड ये है कि आपके पौधे जहाँ पे रखे हैं वहां पर आप जो है मिस्टिंग है वो कर दें। कम से कम दो बार गर्मियों में दो या तीन बार मिस्टिंग जरूर करें सभी प्लांटों के ऊपर। मिस्टिंग यानी कि जो स्प्रे वाली बोतल आती है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा प्लांट है तो आप जो एक मिस्टिंग के लिए एक अलग से नोजल आती है जो कि आप आपकी जो मोटर की पाइप है उसमें लगाकर मिस्टिंग कर सकते हैं। वो पूरा जैसे धुंध होती है वैसा माहौल बना देती है पेड़ पौधों के आसपास, तो उससे भी आपके पौधों को काफी राहत मिलती है और जो वहां का जो वातावरण है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये दो मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। कुछ और मेथड भी है लेकिन दो मेथड जो मैंने आपको बताया ये काफी अच्छे हैं। तो इम्यूनिटी लेवल आप अच्छा रखेंगे पौधों को तो वो गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। गर्मियों में पौधे का मरने का एक कारण सही से पानी ना देना भी होता है, क्योंकि गर्मियों में पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है और हम क्या सोचते हैं गुलाब को कम पानी देना चाहिए, तो हम कम पानी देते हैं तो इससे पौधों को काफी प्रॉब्लम आती है। इसलिए गर्मियों में आप पौधों को रेगुलर वाटरिंग करते रहें और पानी देते समय कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखें, जैसे कि पानी किस समय आपको देना है। तो पौधों को पानी जो है वो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब तेज गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो आप सूरज निकलने से पहले ही जो है पानी दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर आप जब शाम को सूरज ढल जाए उस टाइम पे पानी दीजिए। क्योंकि अगर दोपहर में आप पानी देते हैं या सूरज निकलने के बाद भी देते हैं तो भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि पानी जब आपके पॉट में रहता है जैसे ही जो है तेज़ हीट पड़ती है तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, जिससे जो उसकी जो जड़ें हैं पौधे की वो खराब हो जाती है। दूसरा आप ये भी ध्यान रखिए कि पौधों को पानी जो है वो प्रॉपर दे, ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पानी थोड़ा सा डाल दिया आपने सोचा कंप्लीट हो गई वाटरिंग, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या है, जो रूट्स होती है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता और प्लांट आपका जो है कुछ दिन में ख़राब हो जाता है। तो कंप्लीट वाटरिंग यानी कि जब तक ड्रेनिंग होल से पानी ना निकल जाए तब तक आपको वाटरिंग करनी है। नंबर तीन, कीप प्लांट इंडोर। पौधों को आप जो है अंदर रखिए, गर्मी में तेज हीट जब होती है उस समय पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तेज हीट में भी जो है सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तेज़ हीट में सर्वाइव नहीं करते, यानी वैसे तो वो धूप के पौधे होते हैं लेकिन तेज़ हीट वाली जो गर्मी होती है उसमें वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना होगा, जो आपके पौधे हैं उनको इंडोर ले आइए। इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप उसको डार्क जगह पर रख दें, इंडोर का मतलब ये है कि आप अपने जो बरामदा होता है जहाँ पे अच्छी रोशनी आती है वहाँ पे, या आपकी जो बालकनी है वहाँ पे, ऐसी जगह पे उन पौधों को रख दें ताकि वहाँ पे उसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। या आप उनको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे मॉर्निंग की जो है हल्की जो लाइट होती है वो मिलती रहे लेकिन आफ्टरनून की सनलाइट है वो ना आए। मैंने मेरे कुछ प्लांट जो है यहाँ पे बरामदे के अंदर रख दिए हैं और कुछ प्लांट जो है और भी रखूंगा, अभी जब गर्मी और बढ़ेगी तो कुछ और प्लांट और मैं बरामदे के अंदर ले आऊंगा। वाटरिंग का इसमें हम खास ध्यान रखते हैं, जैसे कुछ सकुलेंट भी ऐसे होते हैं जो कि तेज हीट में जो है खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में काफी सकुलेंट जो है खराब हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर आप अपने सकुलेंट को भी जो है ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, पानी ज्यादा पानी उसके अंदर कम ही रखें, ज्यादा पानी ना दें क्योंकि सकुलेंट को कम पानी जरूरत होती है। लेकिन ऐसा ही मत कर दीजिए कि गर्मी से आपका पौधा मरने को लग रहा है और आप उसको पानी ना दें, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा तभी आप अच्छे से अपने पौधों को सर्वाइव करा पाएंगे। नंबर चार, कीप कूल एनवायरनमेंट।
देखिए जब तेज गर्मी लगती है हमको, तब हम क्या करते हैं, कूलर पंखे चला लेते हैं। तो सोचो पौधे का क्या होगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अपने पौधों के लिए भी। तो पौधों को ठंडा रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पौधे रखे हैं वहाँ पे आप जो कूलर है उसकी हवा दे सकते हैं उनको, उससे थोड़ा जो उसका जो वातावरण है उस जगह का ठंडा हो जाएगा। डायरेक्ट आप प्लांटों के ऊपर ना मारे, क्योंकि जो अगर डायरेक्ट उस पर हवा तेज से लगेगी तो कुछ पौधे क्या नाजुक होते हैं, उन पर जब तेज हवा लगती रहेगी तो वो क्या है उसकी रूट्स जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप कूलर का जो फेस है वो इस तरह से करें कि पौधे का जो एरिया वो ठंडा तो हो जाए लेकिन डायरेक्ट प्लांटों पर जो हवा ना जा पाए, तो वहाँ का जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे करते हैं, कूलर भी लगाते हैं पंखे भी लगा देते हैं अपने पौधों के लिए। खासकर शहरों में ऐसा होता है जब बहुत तेज़ हीट होती है तो ऐसा कर लेना चाहिए। मेरे यहाँ पे तो वैसे भी काफ़ी खुली हवा है तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पौधों को मेरे बरामदे में रखूँ और एक जो फ़ैन है वो चला देता हूँ और मैं 2 या 3 बार जो मिस्टिंग जरूर करता हूँ। तो आप इस तरह से अपने पौधों का ध्यान रखिए। नंबर 5, फर्टिलाइजर। देखिए गर्मियों में फर्टिलाइजर डालने के बारे में काफी क्वेरी आती है कि डालें या नहीं डालें और डालें तो कौन सा डालें। तो देखिए फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए केमिकल जो फर्टिलाइजर है वो गर्मियों में आप अवॉइड करें, क्योंकि वो काफी तेज होता है। अगर आपने थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा दे दिया तो एक तो पौधा वैसे गर्मी से परेशान है, दूसरा आप उसको फर्टिलाइजर देते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो इस वजह से आप या तो बिल्कुल कम करें जब गर्मियां कम हो, यानी कि अप्रैल तक आप जो है फर्टिलाइजर दे सकते हैं। देखिए मई जून की जो गर्मी होती है वो काफी तेज होती है, उस समय आप जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो ना दें, उसकी जगह पे अगर आप चाहें तो जो है 15 से 20 दिन में जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सरसों खलेगी का जो फर्टिलाइजर हमने बताया था वो आप कर सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइजर है वो आप यूज कर सकते हैं, आप कंपोस्ट टी भी यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर पर एक वीडियो बनाया था वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। नंबर 6, मल्चिंग। जब तेज गर्मी होती है तो गमले का जो टॉप सॉइल होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे कि जो फाइबर रूट्स होती है वो जल जाती है। इससे पौधा जो है वो खराब हो सकता है, जल सकता है, सूख सकता है। तो इसलिए जो मल्चिंग है वो हमें करनी चाहिए ताकि टॉप सॉइल जल्दी ना सूखे। मल्चिंग के लिए आप सूखी घास ले सकते हैं, सूखे छोटे पत्ते ले सकते हैं, धान का भूसा ले सकते हैं, नारियल के जो छिलके होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्चिंग करके पौधों को बचा सकते हैं गर्मियों में। नंबर 7, डोंट रिपोर्टिंग योर प्लांट। गर्मियों में पौधों को रिपोर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, ऐसा करने से आपका पौधा मर सकता है, क्योंकि तेज गर्मी होती है और ऐसे समय पर आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उनकी जो रूट्स है वो सूख जाती है और प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर ज्यादा ही इमरजेंसी हो तो आप कीजिए, लेकिन उसको भी पूरी सावधानी से, यानी कि जब सब शाम को जो सूरज ढल जाए उसके बाद और जब रिपोर्टिंग करे तो बार बार रूट्स पर जो है पानी का स्प्रे करते रहे ताकि रूट्स ना सूखे। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग जो है गर्मियों में अवॉइड करें। नंबर 8, डोंट कीप नियर एसी। आपके पास कोई भी पौधा हो तो आप ये मत सोचिए कि तेज गर्मी है तो इनको एसी के सामने रख देते हैं ताकि इनको ठंडक मिले। देखिए डायरेक्ट आप एसी के सामने रखेंगे तो भी पौधों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एसी आपने देखा होगा कि जो रूम के अंदर के जो टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको वो खींच लेता है, और जबकि पौधों को वही चीज पसंद होती है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और ना ही आपके एसी के बाहर जो लगा होता है एसी का यूनिट लगा होता है जो गर्म हवा फेंकता है उसके ज्यादा नजदीक भी मत रखिए, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया बहुत हीट हो जाता है। गर्मी में आपने देखा भी होगा कि उसके आसपास जब हम जाते हैं तो कितनी हीट होती है, तो वो भी प्लांटों को जला सकती है। तो इस तरह से आप एसी के आसपास जो है पौधा ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 9, रिमूव वीड्स। देखिए गर्मियों में आप अपनी जो वीड्स हैं उनको भी निकाल दें, क्योंकि ये क्या है पौधों की जो खुराक है, पौधों के जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ले लेती है, और ये क्या करती है आपके जो प्लांट है उससे जल्दी लेती है। आपने देखा भी होगा आपके गमले में कई बार कोई वीड्स ग्रो कर जाती है तो वो आपके पौधे से जल्दी ग्रो करती है और उससे भी बड़ी हो जाती है। तो वो क्या है हमारा पौधा इतनी जल्दी उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको नहीं लेता, जबकि जो वीड्स है वो जल्दी लेती है। तो इसलिए अगर वीड्स आपको दिखे तो उनको निकाल दीजिए। वीड्स क्या करती है आपके सॉइल की जो नमी है वो भी ले लेती है, इससे क्या हमारा पौधा जो है वो तेज गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाता। जब आप वीड्स निकालते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी थोड़ी सी बाहर आ जाती है, तो ऐसे आप कीजिए कि शाम के टाइम पे ऐसा कीजिए और जो वाटरिंग है वो कर दे जब वीड्स निकाले, तो क्योंकि उससे थोड़ा सा रूट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस जब वीड्स निकालने के बाद एक बार वाटरिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 10, डोंट पेस्टिसाइड। देखिए तेज हीट वाले गर्मी के अंदर कीटनाशक का स्प्रे ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे पौधे को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि तेज गर्मी में इनका उपयोग ना करें, अगर करना भी पड़े तो कोशिश कीजिए कि जो हम घर पे जो बनाते हैं वो यूज करें, मार्केट से जो केमिकल वाली जो होती है वो यूज ना करें। वैसे भी तेज हीट वाली गर्मी के अंदर इतने जो इंसेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम चांस होते कि इंसेक्ट दिखे। तो दोस्तों इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे गर्मियों में भी हरे भरे रहेंगे और अच्छे से फल फूल देते रहेंगे। आपके पौधों के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।